फ्लड के मामला में जहाँ जहाँ पर कटाव हुआ, पिछले साल हम आए थे, जहाँ कटाव हो रहा था उसमें पूरा DPR बना करके एग्जीक्यूटिव की तरफ से रिपोर्ट भेजा गया। उसमें कम से कम 4-5 जगह में काम चल रहा है, काम हो भी है, कंप्लीट भी हो गया है, जिसमें तेलिहार है, आपके बलैठा है, बारून है, ये सब जगह के हम लोग निरीक्षण आज भी किए, कल भी किए थे। उधर आपके पर्वता साइड में GN बांध है, रिंग बांध है, ये सब पे निरीक्षण किए। भगवानी घाट में जो पुल बन रहा है, महासेतु जो बन रहा है, महासेतु तो नहीं लेकिन फिर भी यहाँ के लिए महासेतु ही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ लाइन है लोगों के लिए, वहाँ पर उसका भी निरीक्षण किया। और जो वहाँ पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे या उनके असिस्टेंट थे, उन्होंने कहा कि 6 महीना 7-8 महीना में ये चालू हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी सरकार के लिए। टीकाकरण का जहाँ मामला है कि बहुत सरकार के, बहुत पदाधिकारियों के, जनप्रतिनिधियों के बहुत चाहने के बावजूद भी टीकाकरण कम हुआ, तो आप लोग के जरिए हम अपील भी करेंगे यहाँ की जनता से कि टीकाकरण को बहुत ही गंभीरता से लें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीकाकरण में शामिल हों, हिस्सा लें। कल कहाँ गए थे हम लोग, वहाँ बताया गया कि 800 लोगों का आज हम लोग का प्लान था करने के लिए, तो वहाँ खुशी की बात है कि 800 लोग, सब लोग को टीकाकरण किया गया प्रवक्ता है, और कहीं कहीं पर त्रुटि पाई गई, कमी पाई गई, उसका उसी के लिए आए थे हम लोग देखने के लिए, लगभग यही इन्हीं सब चीज़ के लिए आए थे। और अब आप लोग को अगर कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछिए। कल आपने कल पसराहा में ANM कॉलेज का आपने जो है जो नव निर्मित बना है, तो उसमें कितना क्या कुछ गुणवत्ता है, जो सीलिंग वाला मामला था, पानी जो पट्टा पड़ा, आपने देखा, आपने फोटो भी लिया, हम लोग सब देखे कि 3 मंजिल बना हुआ है, पहला मंजिल, दूसरा मंजिल, तीसरा मंजिल, तीनों में सीलिंग आ रहा है, सीपेज है, बल्कि पानी एकदम गिर रहा है, टपक रहा है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर कमी है। इसी तरह से पॉलिटेक्निक कॉलेज भी हम लोग गए, उसमें भी सीपेज की शिकायत है। ये और बात है कि इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन बारिश का तो इंतज़ाम करना पड़ेगा ना, बारिश का तो एरिया ही है, ये सब फ्लड का एरिया है, तो इस सबके लिए तो एस्टिमेट में सब रहता ही है कि अच्छे से काम हो, इसमें कमी पाई गई, सबका रिपोर्ट बना करके हम देंगे, उसमें जो त्रुटि है उसको पूरा करना पड़ेगा। जो भी कई बांधों का भी आपने निरीक्षण किया है, क्या कुछ वस्तु स्थिति है, कटाव या फिर GN बांध जो है उसमें 3 साल से ब्लैक टॉपिंग जो होता है, प्री मिक्सिंग करके ब्लैक टॉपिंग करते हैं, तो 3 साल से नहीं हुआ, उसको रोड़ा बिछा करके खाली उसको प्लेन करके इसी तरह से चल रहा है, और लोगों की शिकायत मिली कि इसी तरह से 5 साल हो जाएगा तो मेंटेनेंस में तब जा करके उसमें ब्लैक टॉपिंग कर देंगे, तो मेंटेनेंस का पैसा भी समझिए कि उसी में खपत हो गया। ये सब कमी है जिसका रिपोर्ट करेंगे, इसी सबको देखने GN बांध पे भी जो बताया जा रहा था कि 3 साल से लगातार सिर्फ जो है गिट्टी गिरा करके पैसा उठाया जाता है, लेकिन अब तक ना ही विभागीय कोई कार्रवाई हुई ठेकेदार पर। हाँ, वही तो बात बता रहे हैं, कुछ हम लोग लिखेंगे, एग्जीक्यूटिव को फ़ोन करके हमने बताया, उसको लिखित देंगे, उसका जवाब मांगेंगे उनसे, और जो भी कमी है उसको, उसका ड्यूटी है उसको पूरा करें। कल जिस तरह से नया गाँव में सरकारी ITI भवन का निरीक्षण करने नहीं दिया गया, वो कैसे देखते हैं इस मामले? देखिए, ये सब तो होना नहीं चाहिए, लेकिन अब 10-15 लड़के थे, वो भी अपने ही हैं, उनको कोई कहीं से उनको मिसगाइड कर दिया, वरगला दिया, लेकिन ये सब चीज़ें हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। किसी भी तरह का आक्रोश हो, कुछ पूछना हो, कुछ सवाल करना हो, तो और तरीका है, प्रजातंत्र में अच्छे से बात किया जा सकता है, और हम तो इसके कायल हैं, और जिन लोग थे उसमें वो भी अपने लोग हैं, इसी से कोई दुश्मनी नहीं, द्वेष में अब लड़के हैं, 20 साल 25 साल के लड़के हैं, थोड़ा सा तपाक आ जाता है, तो नहीं आना चाहिए, लेकिन चलिए आ गया तो चलिए, उसके लिए कोई ऐसी खास बात नहीं। हाल के दिनों में देखा गया था कि आप पथ निर्माण विभाग के जो मंत्री हैं उनसे आपकी मुलाकात हुई थी। खगड़िया का जो मुख्य मार्ग स्टेशन रोड की जो स्थिति है, जर्जरता है, हर दिन एक्सीडेंट होता है, तो क्या सिर्फ मिल लेने भर तक की समस्या का समाधान हो जाएगा? उसमें हम लोगों ने 5 बाईपास का यहाँ से DPR बनवा करके भेजा था, आपके खगड़िया का जो मेन NH 31 से जो बाईपास है वो भी था, और आपके स्टेशन रोड भी था, ये सारी चीज़ बहुत विस्तार से बात हुई मंत्री जी से, और स्टेशन रोड और एक बाईपास जो सनोखर जी जाती है पर उन्होंने ये किया कि लिख करके दिया कि ये 2 रोड फिलहाल लेंगे, सब रोड पर एक ही ज़िला तो है नहीं, हर सारे ज़िला में पैसा देना पड़ता है,
तो दो रोड का उन्होंने वादा किया कि उसको हम पहले प्रायोरिटी पर करेंगे, उसके बाद फिर जैसे पैसा आएगा। बाकी सर सन्होली के तरफ जो रेलवे वाली रेलवे की जो जिम्मेदारी है सड़क को बनाने की, उसकी भी काफ़ी जो है जर्जरता है। हम तो चाहेंगे कि सर जो रेलवे के जो बड़े पदाधिकारी हैं, अभी लाइव के दौरान ही आप उनको फ़ोन लगा करके इसकी सूचना दें, ताकि वो रेक पॉइंट होकर के बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ जाती है, उस रेक पॉइंट पे जो चलने वाली गाड़ी की वजह से ही सड़क टूटती है, तो वो जिम्मेदारी तो उन्हीं की है, लेकिन फिर भी वो जिम्मेदारी से क्यों भागते हैं? दो मिनट अंदर बात करते हैं, आपने अच्छा सुझाव दिया, अभी सबके सामने बात कर जी। पूरा खगड़िया सर पूरा सुन रहा है, अभी लाइव है, सब लोग देख रहा है, तो हम चाहेंगे कि सर अभी ऑन रिकॉर्ड आप फोन लगाए। फोन लगा रहे हैं समस्तीपुर, फोन लग गया तो जी। डी आर एम साहब नमस्कार, कैसे हैं? तो हम अभी अपने क्षेत्र में खगड़िया में सर्किट हाउस में हैं, और यहाँ पर आपका जो रेक पॉइंट है खगड़िया में, ये सनौली के पास इसका जो रोड है ना, वो बिल्कुल ख़त्म है, उसमें तो ट्रक और मकई पे का तो सीजन यहाँ पर चलता है, आप जानते ही हैं, दो दो तीन तीन फुट का ट्रक आता है, ट्रैक्टर आता है, इतना खराब हालत है। वो आप भी लोग का रोड है तो उसको हाँ एकदम दो दो फीट गड्ढा है, तब ट्रक उलट जाए, तब ट्रैक्टर उलटे, ये हालत है। इसको प्लीज़ नोट करके और इंस्ट्रक्शन दीजिए ना अपने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को, इसको मेंटेन करें अच्छे से। वहाँ से जो पुराने जो भी पदार्थ यानी कि जो भी थे बिल्डिंग के जो भी अवशेष थे, सब वो कारक गायब हो गया, आखिरकार वो क्या मामला है? कल जो आपको ज्ञापन भी सौंपा गया है, गोगड़ी में रेफरल अस्पताल जो बन रहा है 100 बेड का, अच्छा रेफरल, हाँ, जो पुराना सामान वगैरह सब था, लोहा वगैरह था, लकड़ी वगैरह था, डायरेक्टर है उसके, उसके आदमी थे, लेकिन इन लोगों का कहना है कि इन लोग के आने से पहले जो पुरानी बिल्डिंग को जो डिसमेंटल किया गया, उसको जो ध्वस्त किया गया, और उसका जो सामान सामग्री था जो बहुत ही पुराना सखवा हुआ था, उन लोग का आरोप है, वो मिला भी हमको कि वो गायब कर दिया गया, तो उसके बारे में लिख कर करके हम भी देंगे, जब डिपार्टमेंट को देंगे, उसका इंक्वायरी हो,